आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, पटना का यही सेंटर है। इससे पहले विद्यार्थी बहुत परेशान थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। विद्यार्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा प्रश्न, आपको दिक्कत हुआ अंदर? नहीं, हमें तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इससे फर्स्ट शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट आए थे वो बता रहे थे कि बहुत दिक्कत है, सिस्टम बढ़िया चल नहीं रहा है। लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो पर्सनली नहीं देखने को मिला। और स्टूडेंट निकलेंगे तो वो बताएंगे कि अगर उनको दिक्कत है तो वो बताएंगे। रही, आपको कोई दिक्कत? आपको कोई? अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत। क्या क्या चेक हुआ थोड़ा सा बता? हाँ, एडमिट कार्ड चेक करता है, उसके बाद आधार कार्ड और आपका दो फोटो जो लिखा हुआ वही, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्या क्वेश्चन आया, कुछ क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। साइंस का कैसा लेवल? साइंस का लेवल थोड़ा हाई है, ठीक है। हाँ, फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चन है, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत कम क्वेश्चन है। कुछ जैव प्रौद्योगिकी का एक क्वेश्चन दिखने को मिला था, जो था क्या कहते हैं, भूल गए। आपको कोई याद? उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता। आपको कोई प्रश्न याद? मैथ बहुत इस बार इजी था, मैथ जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए कहीं इशू नहीं होगा। क्वेश्चन बिल्कुल। रीजनिंग का क्या लेवल? रीजनिंग का भी लेवल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बस थोड़ा साइंस थोड़ा टफ था, बाकी लगभग सारा। कहाँ रीजनिंग में रैंकिंग वंकिंग पूछा जा रहा है? नहीं, रैंकिंग वगैरह तो सवाल बजल से आया था। हाँ, बजल से आया था। कैसा लेवल था? लेवल ठीक था सर। न्यूमेरिकल था फिजिक्स में? न्यूमेरिकल्स नहीं देखे थे, क्योंकि सर जो टाइम ऑफ इसका सिस्टम भी यहाँ का ठीक नहीं है। सिस्टम भी ठीक नहीं का है कि सर, सिस्टम जो है ना बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे। सिस्टम स्लो चल रहा है, और जो कि ये लोग कहने के बाद भी ये लोग बात नहीं बिलीव नहीं कर रहा कि मतलब कि स्लो है सिस्टम। फर्स्ट में बहुत ध्यान लग रहा था कि दिक्कत हो रहा था विद्यार्थी का, आप लोगों में फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ? और फर्स्ट शिफ्ट में बताया? फर्स्ट शिफ्ट में हाँ, वहाँ धांधली हुआ था, वो हमको पता नहीं। हम तो आए थे तो हम अपना एंट्री करवाए थे, उसके बाद हमको नहीं पता एक्चुअली हुआ। कोई दिक्कत हुआ अंदर? हाँ, दिक्कत हुआ है सर। दिक्कत हुआ है कि बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसी बीच में ये लोग बात भी करता है, ये लोग बात कर रहा है। आप बताइए, बच्चा एक घंटा पेपर में वो साइलेंटली एग्जाम से एग्जाम देना चाहता है, और किसी प्रेशर से नहीं। उस बीच में आप एग्जामिनर है, वहाँ पे आप बातचीत कर रहे हैं, आप अपना डोमेस्टिक बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल लेवल सर ठीक था, मिला जुला के जो मॉडरेट था और जो पढ़ा। साइंस मैथ और रीजनिंग का क्या लेवल था? अच्छा है सर। अच्छा है, कहाँ से ज्यादा पूछा जा रहा? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग था, और जो जो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग से पजल था, पजल से वगैरह भी था, और अरेंजमेंट वगैरह है, ये सब भी क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन से था एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन। क्योंकि सिस्टम में किस मैथ्स का था सर, परसेंटेज का था, और जो प्रॉफिट लॉस से भी था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, ये सब टाइम इन वर्क SICICI उससे भी था, मतलब पुराना ही पैटर्न, पुराना ही टाइप है। जो क्वेश्चन रेलवे बोला है वही क्वेश्चन था, अलग से कुछ नहीं। इसमें करेंट का क्या? 2024 से ही करेंट अफेयर का है, 2024 का है। एक ऐसा बढ़िया है, अंदर कोई दिक्कत? माउस सिस्टम में प्रॉब्लम है, सर्वर स्लो चल रहा है, सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है। तीन बार क्लिक करते तो एक बार होता है, बहुत समस्या है। 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट था, 1 बजे से स्टार्ट हुआ है, पूरा सिस्टम ही चौपट है। पूरा आते था, हम पहुंचे तब तक और कोई खुला था और मेरा खुले नहीं था। हाँ, बहुत का अंतर हो गया। हाँ, तब यहाँ विद्यार्थी बहुत आरोप लगा रहे हैं, खुलवे नहीं किया। आप लोग इधर क्या सेंटर बहुत सारी स्थिति इसका बहुत खराब है, कभी सेंटर नहीं होना चाहिए ऐसा जगह पर। हाँ, सेंटर था, पौने 1 बजे स्टार्ट होना चाहिए। सही बात है सर, 1 बजे स्टार्ट किया है यहाँ पर, समय इसीलिए लग रहा, बहुत लेट लग रहा, बहुत लेट। अंदर में एक एक आदमी है सर, सेंटर अच्छा नहीं, एसी व्यवस्था है, पूरा 3 तल्ला बनाए हुए, सीढ़ी का चौड़ाई बहुत कम है, लड़का नहीं जा पा रहा था। एक कैंडिडेट 15-20 मिनट लगा, सिस्टम बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। 12 बजे तक मतलब लाइन में लगते, मेरा सिस्टम 6 मिनट पहले सिस्टम बहुत हुआ, तब दूसरा सिस्टम पे बैठाया है, दूसरा सिस्टम पर बैठा है। 6 मिनट पहले मेरा सिस्टम बंद करके बोला कि चलो ठीक है, तुमको दूसरा सिस्टम पे बैठा हूँ। 12:30 बजे तक लाइन में लगे हुए थे, 12:30 बजे तक, जबकि 12:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो गया। देख लीजिए, टीसीएस वाले से यही गुजारिश है कि ऐसे सेंटर को जरूर मजबूत करें और बदलें, ताकि इस तरीके नहीं देना चाहिए सर, कभी भी। हाँ, एकदम नहीं देना चाहिए, कभी भी सेंटर आप लोग के साथ सही नहीं था। एक तो 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, 19 के बाद आप कहेंगे टीसीएस क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा सा आप बताइए। क्वेश्चन ठीक था, करंट कैसा था? करंट लगभग 7 से 8 पूछा था, करंट 24 वाला पूछा था, ठीक था, क्यों भी ठीक था। साइंस का लेवल क्या था? बहुत अच्छा, क्वेश्चन ठीक था, मतलब यहाँ सेंटर पर आने सेंटर में दिक्कत है, क्वेश्चन के लेवल में बहुत अच्छा। क्या कट ऑफ रह सकता है अगर क्वेश्चन जो आप लोग देख के आए उस पर क्या अनुमान है, कितना प्रतिशत? 40-50-20 हाँ, 40-45 कैसे पढ़े थे?
पढ़े हुए थे, देखिए सब तैयारी किए थे, बताइए तैयारी किए थे, जो कि यहाँ पे हम 6 महीना से रह रहे हैं, ठीक पटना में 6 महीना हुआ है, आया हुआ अभी तैयारी चल रहा था अभी फिलहाल में, मतलब फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हुए हैं। और आप क्या कहिए, हम यही कहेंगे यहाँ का जो सिस्टम है ठीक ठाक नहीं है, जो माउस है अच्छा से काम नहीं किया, वैसे तो सब ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा आया था। हाँ। देखिए क्वेश्चन को लेकर विद्यार्थी खुश है कि क्वेश्चन जो रेलवे बोली है, टीसीएस जो बताई है उसी लेवल पर आ रहा है, वह चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी यही आरोप लगा रहा है कि यहाँ का सिस्टम सही नहीं है, तो जहां भी इस तरीका से सेंटर दिया गया है टीसीएस के द्वारा, उस सेंटर का जरूर निरीक्षण करें और जरूर उनसे जानकारी लें कि आखिरकार माउस में क्या समस्या है, विद्यार्थी को क्यों लेट घुसाया जा रहा है, क्या दिक्कत है, विद्यार्थी को समय से क्यों नहीं बैठाया जा रहा है, किसी सिस्टम को 6 मिनट बाद बदल दिया जा रहा है, आखिरकार क्यों बदला जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, यह भी तो हो सकता है इसमें कुछ गलती कर दी जाए, ये चाहे सेंटर वाले हो या कोई हो, इस पर जरूर जांच करने की विषय है। और ये प्रथम शिफ्ट से लेकर प्रथम पाली में भी यहाँ से कई सारे विद्यार्थी आरोप लगाए थे कि यहाँ पे समस्या चल रहा है, फिर सेकेंड शिफ्ट वाले भी विद्यार्थी यही आरोप लगा रहे हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी के भविष्य का सवाल है, इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। यदि ये वीडियो कोई रेलवे के अधिकारी देख रहे हैं या टीसीएस के अधिकारी देख रहे हैं तो जरूर संज्ञान ले। जय हिंद।